आईफोन बैंड है चाइना में। China's ban on Apple iPhones is reportedly There's growing. A battle this week on whether China is going to be restricting government employees from using foreign mobile devices. That, of course, includes. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जहां मैं लेटेस्ट टेक न्यूज और ट्रेंड्स के बारे में बात करता हूं। आज का वीडियो पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही गर्म टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, चाइना एप्पल का उत्पादों का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है और पिछले साल एप्पल का प्रॉफिट शेयरिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना की तरफ से एप्पल को मिला था। बट पिछले कुछ महीनों से ये खबर आ रहा है कि चाइना एप्पल को बैंड कर रहा है और एप्पल का प्रोडक्शन पे, सेल पे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यूज करने पे भी रोक लगा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एप्पल को एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने का चांसेस है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन भी चाइना में होता है और बहुत सेल भी, एप्पल का प्रॉफिट भी चाइना से ही निकलता है। तो इस बैंड का पीछे का कारण क्या है और इस बैंड से एप्पल पे और उसके यूजर पे क्या असर पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार चाइना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 गवर्नमेंट ऑफिसेस में आईफोन का यूज को बैंड कर दिया है। और इस बैंड के पीछे चाइना ने जो रीजन दिया है वो है विदेशी टेक्नोलॉजीज पे कम निर्भर करके अपने लोकल ब्रांड जैसे कि Xiaomi, Oppo, Vivo को बढ़ावा देना कहा है। और इस बैंड के पीछे और एक रीजन भी जो निकल के आ रहा है वो है Huawei का एक लेटेस्ट टॉप फीचर्ड वाला मॉडल Mate 50 चाइना में लॉन्च करना। तो आईफोन बैंड करके कुछ हद तक Mate 50 लोकल ब्रांड उनका मॉडल को प्रमोट किया जा सकता है। और इस न्यू Huawei का Mate 50 मॉडल में जो सेमीकंडक्टर चिप है वो US के द्वारा बैंड किया गया था और ये चाइना एंड US का क्लैश का भी एक रीजन दिख रहा है, एंगल निकल के आ रहा है बैंड के पीछे। और US की तरफ से कहा गया है कि वो Huawei का Mate 50 मॉडल का जो सेमी कंडक्टर चिप है उसका अभी तक एग्जामिन परीक्षण चल रहा है। ये बैंड का समय भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका के विशेषज्ञों के अनुसार ये जो बैंड है ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल टाइम पे आया हुआ है जब आईफोन 15 एप्पल ने लॉन्च किया। और आईफोन 15 बहुत ही अच्छा सेल हो रहा है चाइना में और आईफोन 15 में प्रोसेसर, बैटरी और कैमरा तीनों पे बहुत ही जबरदस्त एप्पल ने काम किया है और बहुत ही उन्नत वाला बैटरी अब तक का और बहुत ही बेस्ट कैमरा आईफोन 15 में डाला हुआ है। तो इस एंगल से भी देखा जा रहा है क्योंकि बैंड का समय भी चाइना ने बिल्कुल 15 के लॉन्च के आसपास में चुना है। और एप्पल के सीईओ टीम कुक ने भी कहा है कि पिछले क्वार्टर आईफोन 15 प्रो ने बहुत ही अच्छा सेल किया है चाइना में, लेकिन ये बैंड एप्पल को सेल्स एंड प्रोडक्शन दोनों पे बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है क्योंकि लाखों करोड़ों कस्टमर्स को चाइना में एप्पल खरीदने से रोका जा सकता है। और इस बैंड से एप्पल का सप्लाई चेन पे भी बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है क्योंकि ज़्यादातर एप्पल का प्रोडक्ट्स चाइना के फैक्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। हालांकि एप्पल ने इसमें अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि चाइना के कितने सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिस पे ये फरमान जारी किया गया है ताकि आईफोन उनके ऑफिस पे यूज ना हो। और ये भी स्पष्ट नहीं है चाइना इस जो बैंड है इसको कितनी सख्ती से इम्प्लीमेंट करेगी और कितनी सख्ती से अपने ऑफिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लागू करेगी। तो जो चाइना के गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं उनको लोकल ब्रांड्स पे शिफ्ट किया जा रहा है अगर वो आईफोन यूज कर रहे थे, और ऐसे नहीं करने पे उन्हें शायद नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है या उन पे पेनल्टी भी इशू किया जा सकता है। और अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम नहीं करते हैं फिर भी आईफोन यूज करना चाहते हैं तो उसे सामाजिक दबाव और कलंक, इस तरह का सामाजिक टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। और फिर भी अगर कोई यूज करना चाहते हैं तो उन्हें आईफोन भी एक सीमित तक ही यूज करने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ऐप्स पे भी चाइना ने बैंड लगा के रखा है जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, तो ये सबसे उनको अलग रह के प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर आप एक ट्रू एप्पल फैन है चाइना में तो आप तब तक आईफोन यूज करते हैं जब तक आप उसके कीमत को चुका पाओ और एक भरोसेमंद सेलर को खोज पाओ। और VPN के द्वारा आप ऐप्स को भी यूज कर सकते हैं चाइना में, लेकिन ऑफिशियली VPN चाइना में बैंड है और अगर आप पकड़े जाते हो तो VPN यूज करने के लिए आपको फाइन और जेल तक भी जाना पड़ सकता है।
और इस बैंड से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, क्योंकि एप्पल अपना सारा फोकस इंडिया पे डाइवर्ट शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है जो कि हमें चाइना में देखने को मिलता है। इंडिया का इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और आईफोन का एक बहुत ही बड़ा बाजार है इंडिया में, और जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज यूनिट्स के लिए भी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा जगह है इंडिया एप्पल के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट्स को भी इनिशिएटिव उठाना चाहिए और इस तरह का सिचुएशन में इस तरह का कंपनीज को वेलकम करना चाहिए और इजी डॉक्यूमेंटेशंस, इजी प्रोसेस, इजी सेटअप उनको मुहैया कराना चाहिए ताकि वो इजीली सेटअप करे और जो जितना भी लीगल टर्म्स है, लीगल चीज है, ये सबसे वो बहुत ही अच्छे से डील कर पाए। तो ये था आज का वीडियो का अंत। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी दिलचस्प लगा है। और आपका क्या राय है इस बैंड के पीछे, क्या आप समर्थन करते हैं इस बैंड को या नहीं, तो आप कमेंट पे जरूर बताइए। और आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या आप एप्पल यूज करते हैं या दूसरा कोई ब्रांड यूज करते हैं, वो ब्रांड का नाम भी आप वीडियो के कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियोस टेक न्यूज का जब भी हम लाए आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जुड़े रहिए मोमेंट एंटरप्राइज के साथ। थैंक यू।